नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। कुशीनगर में महिला सुरक्षा करने की सरकार के दावे फेल साबित होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ महिला की सुरक्षा की बात कौन करे, पीड़ित महिलाओं के थाने में उचित न्याय भी नहीं मिलता। मामला राम कोला थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा एक नाबालिग छात्रा को घर से अपहरण करने के बाद होटल में ले जाकर रेप करना तथा बेचने की तहरीर को पुलिस ने बदल कर मुकदमा लिखने और आरोपी को बचाने का प्रयास करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित लड़की द्वारा इसकी शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों से किया गया, लेकिन इसके बाद भी आरोपी के खिलाफ राम कोला पुलिस उचित कार्रवाई नहीं की। वहीं मामला दो संप्रदाय से जुड़ा होने के नाते गांव का माहौल गर्म दिख रहा है। तो लड़की हमार उनके घरे उनका औरत आई घरे बोला के ले गई कि चल तुम घूमे खतरा। ओकर बाद से लड़की हम गईली, ओकर बाद से तो लड़की हम कहतरी कि तुम चल खेत में घूमे खतरा बोला के लिया गईली। उनके मुन्ना पुसवा हो जा खेत में, खेत में रहना आ पता नहीं रुमाल में झड़ना। ओकर बाद से हमारे लड़की बेहोश हो गई। ओकर बाद से लड़की के हमारा लेके चल गए किडनैप करके होटल में। अब हमारे लड़की की जानकारी नहीं कि जब हम आईनी नैहर से तब अपन लड़की तलाश कैनी। ओकर बाद से तब अथी जानकारी भइल तब पूछे लगनी सब के जानकारी भइल कि हमारे लड़की के ये ले गए मन तब कहते कि हम नहीं की ले गए ना। बाद से तब देवाल धमका घर के अपन नहीं हमारे लड़की आई तब हम जाकर थाने में हम दरख्वास्त लिखवाए। ओकर बाद से तब लड़की के लेके गांव के बाहर ले आकर छोड़ दें थाने। लड़की संगे हम बलात्कार गलतकार हो गए। हाँ, 2 लाख बेच लें के तैयारी मैंने 2 लाख बेच लेकर बात करते रहने तब लड़की सुन ली के लिख दीवान साहब लिख ले मानी हाँ वो अपना तरफ से लिख के दे मानी। मुझे मुन्ना कुशवाहा घर से आना जाना था। उसके बाद मुझे उसकी पत्नी संगीता देवी आई मेरे घर। मेरी मम्मी 4 अगस्त को बिहार गई थी मेरे मामा घर। उसकी पत्नी आई संगीता देवी तो बोली चलो मेरे घर, तो मैं चली गई। उसके बाद से घर से आ रही थी कोई कि चलो केरा खेत में घूमने चले। उसके पति वहीं पे पहले से था। उसने मुझे रुमाल से मुंह ढक कर मुझे बेहोश कर दिया, मुझे पता नहीं चला। और उसके बाद से मुझे किसी होटल में लेके गया और मेरे साथ जब मुझे होश आया तो मैं देखी कि किसी होटल में थी वो। उसने मेरे साथ नाजायज काम किया 5-6 दिन तक। उसके बाद से मुझे बंदी बना कर रखा था और फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था कि 2 लाख में बेचने के लिए, तो मुझे पता चला। और मेरे घर वाले जब दबाव डाले तो लाकर घर से बाहर मुझे छोड़ दिए। होटल का तो नाम पता नहीं है मगर वो मेरे साथ नाजायज काम कर रहा था। राम कोला के सोहरौना गांव की एक लड़की के गायब होने की सूचना जो प्राप्त हुई थी और बताया गया था कि गांव का ही लड़का लड़की को बाला फुसला करके भरा के लेकर के चला गया है। इस सूचना पर तत्काल वहाँ रामकोला थाने पर FIR करने की गई थी और कुछ दिन बाद पुलिस के प्रयास और लोगों के प्रयास करने पर लड़की बरामद भी हो गई है और लड़की का मेडिकल परीक्षण अभी नहीं हो पाया है। वो लड़की का मेडिकल परीक्षण करा करके और कोर्ट ने उसका 164 का बयान करा करके यदि और कोई भी बात संज्ञान में आती है तो तदन रूप जो है धाराओं का समावेश करके आगे की हुई की जाएगी। पेश है कुशीनगर से हमारे संवाददाता गुड्डू कुमार चंदन की खास रिपोर्ट।